हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के कुछ टॉप 5 ऐसे वेरिएंट जो अर्थ 616 स्पाइडरमैन से कई गुना ज्यादा पावर पॉजिटिव करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। तो करते हैं स्टार्ट। तो अपनी लिस्ट में नंबर 5 पर है सुपीरियर स्पाइडरमैन, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 700 में दिखाया गया था, जिसमें डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन की बॉडी में घुस जाता है और स्पाइडरमैन से भी अच्छा बनने की कोशिश करता है। यही नहीं, वो स्पाइडरमैन के सूट में मॉडिफिकेशंस करता है, जिसमें टेंटिकल्स भी होते हैं और एडवांस लेंस भी लगा देता है, जिससे वो अपने दूर दूर के एनिमीज को बड़े आराम से देख पाता है। नंबर 4 स्कारलेट स्पाइडर। वेरियस स्पाइडरमैन को कई बार अपीयर किया गया है कॉमिक्स में, तो कभी एनिमेटेड सीरीज में। इस स्पाइडरमैन का नाम तो बहुत लोग जानते ही होंगे, वैसे इसका नाम है काइनी पार्कर। ये अपने स्पाइडरमैन के कंपैरिजन में काफी ड्यूरेबल और पावरफुल और कई सारी एबिलिटीज रखता है। इसके अंदर स्टैमिना भी इतना ज्यादा है कि ये बिना रुके 2 से 3 घंटे तक बिना रुके फाइट कर। इसके अलावा ये 40 टन के वेट को आराम से लिफ्ट कर सकता है, और इसके अलावा भी इसके पास हीलिंग फैक्टर नाम की चीज है, जिसे लड़ाई करते टाइम अपने आप को बड़ी जल्दी हील कर सकता है। तो नंबर 3 पे है माइल्स मोरेल्स। मे बी इस वाले स्पाइडरमैन को काफी लोग जानते ही होंगे। ये स्पाइडी अपने यूनिवर्स का दूसरा स्पाइडरमैन था। इसकी एज 13 इयर्स थी, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में रहता था। इतना छोटे होने के बाद भी काफी ज्यादा पावरफुल था। ये स्पाइडरमैन को अपनी पावर्स रेडियो एक्टिव स्पाइडरमैन के काटने से मिलती है। इसके अंदर वही सिमिलर पावर्स आ जाती है जो अपने क्लासिक स्पाइडरमैन के अंदर होती है। इसके अलावा ये खुद को इनविजिबल कर सकता है। यही नहीं, बड़े बड़े अटैक्स को बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकता है। किसी भी ऊंचाई से अगर ये कूद भी जाए ना, तो उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। नंबर 2 घोस्ट स्पाइडर। ये स्पाइडरमैन अर्थ 11638 से बिलोंग करता है, जिसकी स्टोरी बाकी स्पाइडरमैन से काफी ज्यादा डिफरेंट है। इस यूनिवर्स में अंकल मैन की भी डेथ नहीं होती है, बल्कि ये अमीर साइंटिस्ट होता है, और ये स्पाइडरमैन सारे स्पाइडरमैन के बारे में जानता था। ये एक एक करके सारे टाइमलाइन के स्पाइडरमैन की पावर को ऑब्जर्व करने लगता है। बट ये जब हमारे टाइमलाइन के स्पाइडरमैन की पावर ऑब्जर्व करने लगता है, तो बेहोश हो जाता है और कोमा में चले जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्पिरिट कुछ टाइम के लिए हेल में लॉक हो जाती है। और जब होश में आता है, तो इसके अंदर कॉस्मिक स्पाइडरमैन और घोस्ट राइडर जैसी पावर्स आ जाती है। नंबर 1 कॉस्मिक स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन के मल्टीवर्स वर्जन की बात कर रहे हैं, और कॉस्मिक स्पाइडरमैन लिस्ट में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, होगा भी क्यों नहीं। स्पाइडरमैन कैरेक्टर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल वेरिएंट जो है, ये अर्थ 13 से बिलोंग करता है। ये अपने यूनिवर्स में कैप्टन यूनिवर्स से जाना जाता है। स्पाइडरमैन को अपनी पावर्स मिस्टीरियस पावर को ऑब्जर्व करने पर मिलती है, जिसका नाम एनिग्मा फोर्स होता है, और इसके बाद इसकी पावर्स काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है, लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एंड आल्सो ही कैन लिफ्ट वेट अप टू 200 टन्स। और यही नहीं रुका, ये अपने हरे पहाड़ हल्क को भी ये सिंगल पंच में स्पेस में पहुंचा चुका है। और इसके हीलिंग फैक्टर की बात क्या ही करूं भाई, बहुत तगड़े हीलिंग फैक्टर है। और यही नहीं, कॉस्मिक स्पाइडरमैन एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी ब्लास्ट, एक्सरे विजन, टेलीस्कोपिक विजन, कॉस्मिक ब्लास्ट, फ्लाइट, मॉलिकुलर चेंज को पॉजिटिव करता है। इतना पावरफुल होने के बाद भी इसके कुछ वीकनेस है, लाइक नेगेटिव डायमेंशन, लाइट फोर्स, इथाइल क्लोराइड, स्पाइडर सेंस, डिस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह। सिंपल आंसर बताऊं तो ये सुपरमैन को भी बड़े आराम से पेल सकता है। आपके हिसाब से कौन सा स्पाइडरमैन रह गया हो लिस्ट में, वो आप कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट